आज हम देखते हैं किस तरीके से हम डिसीजन कंट्रोल कंस्ट्रक्ट और लूपिंग कंस्ट्रक्ट इन दोनों को जोड़ के अपने प्रोग्राम को और एफिशिएंट और क्लीन और रीडेबल बना सकते हैं। उसके लिए हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। वैसे हम छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो हमने पहले इफ एल्स से बनाया था और उसको चेंज करेंगे दोनों लूप्स को, यानी कि वाइल लूप और else if, इफ करते हुए हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे। देखिएगा किस तरीके से बनता है। इसके लिए हम नेटबीन्स आईडी को ओपन करेंगे और नेटबीन्स आईडीई में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें हम मेन में एक केवल एक फंक्शन मेन जो हम एक क्लास के अंदर लिखेंगे उसी के अंदर ये सारी चीज़ें लिख देंगे जो वाइल और एल्स इफ का कॉम्बिनेशन होगा। अल्टीमेटली क्या है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत आपस में जुड़ी हुई हैं और साथ ही काम करती हैं। आप जब ये प्रोग्राम देखेंगे तो और क्लियर होगा। और फाइल न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और न्यू प्रोजेक्ट में आप अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं। जावा एप्लीकेशन ले लीजिए और यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि मैं ये नाम देता हूँ वॉट इफ एल्स, फिनिश कर दीजिए इसे। अब जब हमारे पास ये खाका बन के आएगा, यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें चाहे तो आप हटा सकते हैं। अब देखिए कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है। हम क्या करेंगे, दो नंबर यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट के हिसाब से, पहले तो इनपुट दो नंबर लेंगे और फिर ऑपरेटर भी एक इनपुट लेंगे। ऑपरेटर जो यूज़र इनपुट करेगा उसके हिसाब से हम रिजल्ट दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम एक स्कैनर जो इम्पोर्टिंग है वो कर लेते हैं ऊपर, उसको यहाँ पर कर लीजिए। इसके बाद इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, और अब हम स्कैनर का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, IPNUM मतलब इनपुट नंबर वन, ये एक स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा बनाएंगे IPNUM2। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। ये IPNUM1 ये मैंने रखा है, स्कैनर दिस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिस्टम डॉट इन जो है वो कीबोर्ड को इंगित करता है। इसी तरीके से हम एक पेस्टिंग और कर देते हैं, इसको IPNUM2 कर देते हैं। दो नंबर हो गए क्योंकि कैलकुलेटर इसी पे होना है, कैलकुलेट इन्हीं दो वैल्यूज पे होना है। अब हम एक ऑपरेटर ले लेते हैं, तो उसके लिए भी एक हम स्कैनर का उपयोग कर लेंगे, ये IPInput OP। तो ये बात हो गई हमारी। अब ये तो स्कैनर के ऑब्जेक्ट्स हैं, अब हमको एक्चुअल नंबर्स लेने हैं। ऐसा करते हैं कि जो नंबर्स हैं उनको डबल वैल्यू रखते हैं, तो NUM1 NUM2, क्योंकि नंबर वन नंबर टू हमने इंगित किया हुआ है, तो दो डबल नंबर बना देते हैं। दो डबल नंबर को यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देते हैं, नंबर वन नंबर टू। अब चूंकि ये ऑपरेटर जो है वो एक कैरेक्टर होता है, तो इसको बेहतर रहेगा कि हम एज ए स्ट्रिंग ले लें। तो स्ट्रिंग की तरह एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बना, स्ट्रिंग वेरिएबल बना लेते हैं, जिसका नाम हम, क्योंकि यहाँ पर ओपी दिया हुआ है, देखिए ओपी, तो हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। तो ये स्ट्रिंग ओपी हो गया। अब देखिए असली जो आज का जो मुद्दा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। हम करेंगे वाइल, जब तक ट्रू है। ये हमारा एंट्री कंट्रोल वाइल लूप है, यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ट्रू, जब तक चलता रहेगा। देखिए कब तक, क्योंकि इसके अंदर हम इफ एल्स लेंगे। ये लूप जो है ये वाइल का बन गया, ये वाइल का यहाँ से यहाँ तक 26 लाइन से लेकर 29 लाइन तक। अब यहाँ पर यूजर को हम बोलेंगे कि देखिए आप पहला नंबर एंटर करिए और उसको हम नेक्स्ट डबल में, नेक्स्ट डबल से अपना ले लेंगे, जैसे हम नॉर्मली यूजर से लिया करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फॉर इंटर फर्स्ट नंबर, और आप जानते हैं NUM1 हमने इसीलिए बनाया हुआ है, और इनपुट नम IPNUM1 ये जो ऊपर स्कैनर बनाया है वो इसीलिए बनाया है। इन दोनों का उपयोग करते हुए और नेक्स्ट डबल का, नेक्स्ट डबल फंक्शन का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर पहला नंबर ले लेंगे।
इसी तरीके से सेकंड नंबर इनपुट करा लेते हैं। सेकंड नंबर इनपुट करा के हम num2 में दूसरा वैल्यू ले लेते हैं। तो दूसरा नंबर हमारे पास आ गया, num1 आ गया, num2 आ गया। इसके बाद हम ऑपरेटर इनपुट कराते हैं, क्योंकि ऑपरेटर op में था तो हमको ये नेक्स्ट डबल नहीं देना है, केवल नेक्स्ट देना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटर स्ट्रिंग है ना, तो इसके लिए केवल नेक्स्ट देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर इंटीजर होता तो नेक्स्ट इंट यूज़ करते हैं हम, और अगर हमारे पास स्ट्रिंग है तो हम केवल डॉट नेक्स्ट करेंगे। अभी देखिएगा किस तरीके से, और यूज़र को बोलेंगे आप ऑपरेटर इनपुट करिए। ऑपरेटर इनपुट हो गया और iop.next में हमने इसे ले लिया। अब इफ शुरू करते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको वाइल के अंदर हम इफ यूज करेंगे। तो इफ जो ऑपरेटर आया है op, और क्योंकि स्ट्रिंग में हम डॉट इक्वल्स वाला यूज करते हैं, इक्वल्स, अगर डॉट इक्वल्स, अगर ये इक्वल्स जो है वो प्लस है, अगर सबसे पहले हम प्लस का उपयोग करते हैं, तो यहां पर प्लस स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर आता है। अगर ये आता है, अगर ये प्लस यूजर ने इनपुट किया है, तो हम सीधा बोलेंगे कि भैया आप नम वन प्लस नम टू जो है वो प्रिंट कर दीजिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम क्या लिख देंगे, नम वन प्लस नम टू। फिर else if, यदि जो ये है ऑपरेटर वो प्लस की जगह माइनस है, तो हम क्या करेंगे, else if के इफ कंडीशन के आगे हम कंडीशन लगा सकते हैं ना, मतलब इफ के आगे जो रिलेशन ऑपरेटर रिजल्ट देगा। तो अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस ले लीजिए, अगर ये माइनस है तो हम क्या करेंगे, यही लाइन को कॉपी कर लेंगे और क्या बोलेंगे कि भाई आप जो है अब माइनस वाला रिजल्ट दीजिए। तो यही काम हम क्या करेंगे, एक else if जो है वो हम डिवीजन के लिए कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेते हैं। पहला मल्टीप्लिकेशन के लिए कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पेस्ट, फिर दोबारा पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम केवल इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में एस्ट्रिक साइन हमें देना है, और यहाँ पर भी एस्ट्रिक साइन दे देंगे। यहाँ पर हमारा डिवीजन रहा तो डिवीजन दे देंगे, यहाँ पर भी हम यहाँ पर डिवीजन दे देंगे। ये हो गया। अगर मान लीजिए ये सारे ऑपरेटर नहीं देता है, इनमें से चारों में से इनपुट नहीं आता है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, जब ऑपरेटर आएगा ना यूज़र को आप बताइए कि देखिए भाई साहब आप यही डाल सकते हैं, यानी कि प्लस है, माइनस है, डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन है, इनमें से डालिए। वरना यूज़र अगर कुछ और डाल देगा तो आप कैसे कहेंगे कि भाई आपने जो बोला था उन्हें डाला। तो लास्ट में एक else और डालना पड़ेगा कि अनरिकग्नाइजेबल ऑपरेटर या ऑपरेटर जो आपको बोला गया है वो आपने नहीं डाला, ऐसे यूज़र को हमें बताना पड़ेगा। ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। देखिए मैंने यहाँ पर दिया कि जो ऑपरेटर है वो अनरिकग्नाइज्ड ऑपरेटर है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोग्राम पूरा हुआ। हमने यहाँ पर कोशिश की कि यूज़र से इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के बाद हम वाइल ट्रू, जब तक ये सही चलता रहेगा तब तक ये आगे बढ़ाता रहेगा। तो वाइल में केवल आपको ट्रू देना है। देखिए हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, केवल वाइल में हमने ट्रू कर दिया है, और हमारा प्रोग्राम जो है वह तैयार है। अब इसे हम कंपाइल कराते हैं और रन कराते हैं, इसे रन कराया जाए। अब रन करने पर इसने पहला नंबर मांगा प्रोग्राम ने, हमने पहला नंबर दे दिया। उसके बाद हम दूसरा नंबर दे देते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 5 × 4 = 20, एक मल्टीप्लिकेशन का साइन हम दे दें। तो देखिए 20 आ गया, लेकिन इसके बाद ये दोबारा चल रहा है। एक नंबर और दे दीजिए इसमें, जैसे फर्स्ट नंबर 5, सेकेंड नंबर 3, एंड से माइनस ऑपरेटर दीजिए, तो 5 − 3 = 2.0। ये प्रोग्राम चलता रहेगा वाइल इज इक्वल टू ट्रू। अगर आपको इस प्रोग्राम को बस रोकना है तो आपको करना क्या है कि बस यहाँ पर ऊपर दे दीजिएगा इफ प्रेस -1 टू एग्जिट, और -1 को चेक करा के इफ ये जो एंट्री है वो -1 है तो ब्रेक कर दीजिए। यही इसको बाहर निकलने का तरीका है। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया आपको कि हम वाइल के अंदर इफ एल्स का कैसे उपयोग करते हैं। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।